गुड इवनिंग। आगे शुरू करते हैं हम लोग। कल हम लोगों ने पांचवी पंचवर्षीय योजना को देख लिया था, और जो फिफ्थ 5 ईयर प्लान था हमारे पास वो 1974 से, जो फिफ्थ 5 ईयर प्लान था उसका जो समय था वो 1974 से 79 तक का था। और हम लोगों ने देखा था कि इस फिफ्थ 5 ईयर प्लान को 1974 79 के इसके टारगेटेड समय से पहले ही 78 में समाप्त कर दिया गया था। इसी 5 ईयर प्लान के दौरान इमरजेंसी लगाई गई थी इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा, और उसके बाद जब सरकार गिर जाती है तो मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सरकार आती है, और मोरारजी देसाई की जो जनता पार्टी सरकार है वो इस 5 ईयर प्लान को समय से पहले ही, 1 साल पहले ही 78 में ख़त्म कर देती है। 78 में ख़त्म करने के बाद वो 5 ईयर प्लान की सिस्टम को आगे नहीं बढ़ाती है, और यहाँ पर वो एक नया सिस्टम अडॉप्ट करती है, उसको बोला जाता है रोलिंग प्लान। रोलिंग प्लान यानी कि हिंदी में इसको बोलेंगे अनवरत योजना। अब यहां पर बेसिकली क्या था, अगर हम देखें थोड़ा सा, तो ये जो जनता पार्टी की सरकार है भी ज्यादा नहीं चल पाती है और ये भी गिर जाती है, और उसके बाद 1980 में इंदिरा गांधी की सरकार दोबारा से आ जाती है, और इंदिरा गांधी की सरकार आने के बाद सिक्स्थ 5 ईयर प्लान को 1980 में वो लॉन्च करती है। यानी कि फिफ्थ 5 ईयर प्लान 78 में खत्म हुआ, 78 में खत्म हुआ और 80 में अगला 5 ईयर प्लान शुरू हुआ, यानी कि यहाँ पर एक गैप आ गया। और यहां पर जो गैप आया, इस गैप को हम फिर से क्या नाम देंगे, प्लान हॉलीडे, यानी कि योजना अवकाश। तो ये जो प्लान हॉलीडे था, योजना अवकाश था, वो 2 सालों का था, 1978 से 1980 तक। ये दूसरा योजना अवकाश था 2 सालों का, इसके पहले एक हम लोग देख चुके थे जो 3 साल का योजना अवकाश था, और ये 1978 1980 का था। जब जनता पार्टी सरकार ने फिफ्थ 5 ईयर प्लान को समय से पहले खत्म किया तो उसने 1978 से 79 तक एक एनुअल प्लान जारी किया, और उसके बाद 1979 में उसने एक अगला प्लान जारी किया, और ये जो अगला प्लान था, इस अगले प्लान की कोई समय सीमा नहीं थी। ये प्लान कंटिन्यू करना था, ये लगातार रोल होते रहना था। यानी कि ऐसा नहीं था कि जैसे 5 सालों के प्लान हम लोग जो देख रहे थे कि 5 साल के बाद वो खत्म हो जाएंगे, या एनुअल प्लान 1 साल के बाद खत्म हो जाएंगे। ये प्लान ऐसा था जो लगातार चलता रहता, और लगातार चलते रहने पर इकोनॉमिक सिचुएशंस के आधार पर इसमें परिवर्तन किया जाता रहता। यानी कि एक फ्लेक्सिबल प्लान इंट्रोड्यूस किया गया जिसकी कोई समय सीमा नहीं थी, लगातार चलता रहेगा, और जैसी भी इकोनॉमिक सिचुएशंस होंगी उनके आधार पर समय समय पर इस पर परिवर्तन किया जाता रहेगा। तो क्योंकि ये प्लान लगातार चलने वाला प्लान था, तो इसी आधार पर ये जो योजना शुरू की गई इसको बोला गया अनवरत योजना। लगातार रोल हो रहा है, यानी कि इसको बोला गया रोलिंग प्लान। तो रोलिंग प्लान या अनवरत योजना दूसरी योजना अवकाश में मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सरकार के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी। इसमें जो पॉलिसी अपनाई गई थी, मोरारजी देसाई गांधीवादी नेता थे, तो यहाँ पर गांधीवादी जो नीति है उसको अपनाया गया था, गांधीवादी नीति को अपनाया गया था और इसको लागू किया था उस समय के योजना आयोग के उपाध्यक्ष, डेप्यूटी चेयरमैन, इनका नाम था डीटी लकड़ावाला। ठीक है, तो डीटी लकड़ावाला ने इसको लागू किया। यहां पर जो मॉडल अपनाया गया, वो मॉडल अपनाया गया गुन्नार मिर्डल मॉडल को। गुन्नार मिर्डल का जो पूरा नाम था वो था कार्ल गुन्नार मिर्डल। ये स्वीडन के अर्थशास्त्री थे, उन्होंने इकोनॉमी से रिलेटेड एक मॉडल पेश किया था जो इनके नाम से ही जाना गया, और उसी मॉडल को भारत में इस रोलिंग प्लान में अपना लिया गया। यहां पर एक बात ध्यान रखनी है कि जो गुन्नार मिर्डल हैं उनको 1974 में अर्थशास्त्र का
नोबल दिया गया था 1974 में, अर्थशास्त्र का नोबल इनको मिला था, और ये संयुक्त नोबल दिया गया था इनके साथ फ्रेडरिक हायक को। फ्रेडरिक हायक के साथ इनको 1974 का अर्थशास्त्र का नोबल मिला था। एक बात और ध्यान रखनी है कि नोबल पुरस्कारों के इतिहास में कुछ ही ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहां पर पति और पत्नी दोनों को नोबल प्राइज मिला। ऐसे कुछ ही लोग हैं जिनमें से एक ये कार्ल गुन्नार मिडल भी हैं। कार्ल गुन्नार मिडल की जो वाइफ थी उनका नाम था अल्वा मिडल। अल्वा मिडल को मिला था 1982 में। शांति का नोबल अलग अलग क्षेत्रों में मिला लेकिन नोबल दोनों को मिला। तो ये उन कुछ एग्जाम्पल्स में से हैं जिनमें पति और पत्नी दोनों ही नोबल पुरस्कार विजेता थे। ये अलग बात है कि इन दोनों को अलग अलग क्षेत्रों में मिला। कुछ ऐसी भी जोड़ियां हैं जिनको एक ही क्षेत्र में नोबल प्राइज मिला। तो आप ये देखिए इस क्लास के बाद कि कौन कौन सी पति पत्नियों की जोड़ियां हैं जिनको दोनों को नोबल प्राइज मिला। ठीक है, एक मैं बता देता हूँ, मैरी क्यूरी और उनके पति पियरे क्यूरी। ठीक, उनकी बेटी को भी नोबल प्राइज मिला है। तो ये पूरा परिवार नोबल प्राइज विजेता है। इसके अलावा भी बहुत लोग हैं। तो यहाँ पर दो चीजें आपको देखनी, पहली बात कौन कौन से पति पत्नियों को दोनों को नोबल प्राइज मिला है, और उसके बाद फिर ये भी देखिएगा कि कौन कौन से पति पत्नियों को एक ही क्षेत्र में नोबल प्राइज मिला। ठीक है, चलिए। तो इन्हीं के दिए गए मॉडल को यहाँ पर अपनाया गया, और इस दौरान, इस रोलिंग प्लान के दौरान एक इंपॉर्टेंट काम हुआ। यहां पर 1979 में एक योजना लॉन्च की गई जिसको नाम दिया गया ट्राइसेम। ट्राइसेम जो योजना लॉन्च की गई 1979 में लॉन्च की गई। ट्राइसेम का अगर हम पूरा नाम देखें तो ये था ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं को ट्रेनिंग देने का यह प्रोग्राम था। 1979 में शुरू हुआ। पॉवर्टी को इरेडिकेट करने का सबसे बेहतर तरीका है, गरीबी को दूर करने का सबसे बेहतर तरीका है कि लोगों को रोजगार मुहैया करवाया जाए। सरकार कितना रोजगार देगी, जो सरकार स्वरोजगार पर बल देती है और स्वरोजगार कर सके उसके लिए यहाँ पर उनको ट्रेन किया जाता था। लेकिन बाद में एक और योजना आई जिसका नाम था SJGSY, पूरा नाम स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना। स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना आई, और इस स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना में इस योजना को मर्ज कर दिया गया। ठीक है, स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना में इस योजना को मर्ज कर दिया गया। जो स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना है, बेसिकली ये ऑपरेट होती है, इसकी शुरुआत होती है और ट्राइसेम का इसमें मर्जर हो जाता है। तो ये हमारे पास रोलिंग प्लान था, लेकिन ये जो जनता पार्टी की सरकार है ये ज्यादा दिन तक नहीं चल पाती और इसमें आंतरिक कलह हो जाती है। कई सारे दलों का इनको समर्थन था और यहाँ पर वो जो लोग हैं वो अपना समर्थन वापस ले लेते हैं। सरकार बहुमत खो देती है और सरकार के बहुमत खो देने के बाद ये सरकार गिर जाती है। सरकार के गिरने के बाद फिर अगले चुनाव होते हैं, और अगले चुनाव में इंदिरा गांधी गरीबी हटाओ का नारा देती हैं, और गरीबी हटाओ का नारा देने के बाद और भी बहुत सारी परिस्थितियों के अनुसार ये होता है कि इंदिरा गांधी दोबारा से पूर्ण बहुमत से सत्ता में आ जाती हैं। और पूर्ण बहुमत से सत्ता में आने के बाद अब इंदिरा गांधी इस रोलिंग प्लान को समाप्त करके शुरू करती हैं 6th 5-year प्लान। प्राइम मिनिस्टर कौन? इंदिरा गांधी। ये प्लान का जो टाइम पीरियड है वो 1980 से 1985 का है। यहां पर जो इसका मॉडल है, हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था लियोनटिफ का इनपुट आउटपुट मॉडल, जहां पर सभी क्षेत्रों का एक साथ विकास करने की बात की जाती है। तो यहां पर भी मॉडल जो अपनाया गया वो अपनाया गया इनपुट आउटपुट
यानी कि हिंदी में बोले तो आगत निर्गत मॉडल अपनाया गया। इस योजना का जो उद्देश्य था वो था गरीबी निवारण तथा रोजगार सृजन, यानी कि पॉवर्टी इरेडिकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट जेनरेशन, ये इस योजना का उद्देश्य था। इसके पहले जो पांचवी पंचवर्षीय योजना आई थी, अगर आपको याद हो, तो वहां पर उसका जो उद्देश्य था वो था गरीबी उन्मूलन के साथ आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, यानी कि पावर्टी इरेडिकेशन एंड अटेनमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस। तो गरीबी उन्मूलन का लक्ष्य की अगर बात की जाए, तो वो लक्ष्य रखा गया था पांचवी पंचवर्षीय योजना में, उस लक्ष्य को कंटिन्यू किया गया छठी पंचवर्षीय योजना में, और रोजगार सृजन को इसके साथ इंक्लूड कर दिया गया। अक्सर एग्जाम में सवाल आता है, और ऐसे भी ये हमको पता होना चाहिए कि इंदिरा गांधी ने एक नारा दिया था, गरीबी हटाओ का नारा। बड़ा कंफ्यूजन होता है नॉन स्टैंडर्ड बुक्स में, कहीं कहीं इसमें गलत चीजें भी लिखी हुई हैं कि कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। तो इसको बिल्कुल ध्यान रखिए कि जो गरीबी हटाओ का नारा था वो दिया गया था छठी पंचवर्षीय योजना में, ना कि पांचवी पंचवर्षीय योजना में। पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ को, गरीबी निवारण को एक लक्ष्य के रूप में शामिल तो भले ही किया गया था, लेकिन पांचवी में गरीबी हटाओ का नारा नहीं दिया गया। तो ये इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ध्यान रखना है कि गरीबी हटाओ का नारा छठी पंचवर्षीय योजना में दिया गया। बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, गरीबी हटाओ का नारा छठी पंचवर्षीय योजना में इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा दिया गया था। और यहाँ पर गरीबी हटाओ को, गरीबी के निवारण को, पॉवर्टी इरेडिकेशन को लिंक कर दिया गया था इसके साथ रोजगार सृजन के साथ, यानी कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के साथ। और इस योजना के दौरान कई सारे कार्यक्रम चलाए गए, जिन कार्यक्रमों का जो ऑब्जेक्टिव था वो था ग्रामीण विकास। जो ऑब्जेक्टिव था वो था गरीबी उन्मूलन, साथ ही साथ लोगों का सामाजिक आर्थिक विकास, यानी कि रूरल डेवलपमेंट, पावर्टी इरेडिकेशन और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और इन सभी चीजों को एक साथ साधने के लिए कई सारी स्कीम्स शुरू की गई, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो था वो 1979 में शुरू किया गया आईआरडीपी। आईआरडीपी मतलब इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये जितने भी प्रोग्राम्स हैं, इनका जो शॉर्ट फॉर्म और इनका फुल फॉर्म, इनको शुरू करने का समय आपको याद रख लेना है। तो इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि आईआरडीपी, हिंदी में समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ये 1979 में शुरू हुआ था छठी पंचवर्षीय योजना के पहले ही, लेकिन इसको अमली जामा पहनाया गया, यानी कि इस पर अमल लाना शुरू किया गया, यानी कि इसको ऑपरेट करना शुरू किया सिक्स्थ पंचवर्षीय योजना में। सिक्स्थ 5-ईयर प्लान में इसको एक्चुअली ऑपरेशन इसका शुरू हुआ, इसको अमली जामा पहनाया गया यहाँ पर। और इसके अंतर्गत और इसके अलावा भी कई सारी योजनाएं शुरू की गई, जिनमें से कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं हमारे पास हैं। एक है एनआरईपी। एनआरईपी का मतलब होता है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, जिसको 1980 में शुरू किया गया, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, इसको 1980 में शुरू किया गया। अगर आपको पांचवी पंचवर्षीय योजना याद है, तो आपको पता होगा कि 1977-78 में, 1977-78 में पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान
काम के बदले अनाज कार्यक्रम शुरू किया गया था, यानी कि फूड फॉर वर्क प्रोग्राम शुरू किया गया था, तो इस नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम ने इसको रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम जो 1980 में शुरू किया गया, उसने 1977-78 में शुरू किए गए काम के बदले अनाज कार्यक्रम फूड फॉर वर्क प्रोग्राम को हटा दिया, रिप्लेस कर दिया, उसके स्थान इसने ले लिया। इसके अलावा इसी दौरान शुरू किया गया एक और प्रोग्राम जिसका नाम था डॉक्रा, DWCRA। डॉक्रा का अगर फुल फॉर्म देखें तो डॉक्रा का फुल फॉर्म है डेवलप, फॉर्म बिल्कुल ध्यान रखिए, ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रेन इन रूरल एरियाज, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं और बच्चों के विकास से संबंधित ये कार्यक्रम था डॉक्रा। ये जो डॉक्रा था बेसिकली ये सब स्कीम था, किसका सब स्कीम था, IRDP इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम की एक सब स्कीम थी ये डॉक्रा। और इस प्रोग्राम को 1982-83 में शुरू किया गया था, 1982-83 में शुरू किया गया था, और केवल 50 डिस्ट्रिक्ट में इसको शुरू किया गया था और ये चला। और उसके बाद 1994-95 में इसे पूरे देश में लागू कर दिया गया डॉक्रा को। इसके अलावा भी बहुत सारी और प्रोग्राम्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जैसे इसी के दौरान बायोगैस प्रोग्राम को लागू किया गया 1982 में, बायोगैस के को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, 1982 में डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम, डेयरी विकास कार्यक्रम यानी कि DDP शुरू किया गया, डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम को शुरू किया गया। इसके अलावा ट्राइबल डेवलपमेंट एजेंसी का गठन किया गया, नेशनल सीड प्रोग्राम, राष्ट्रीय बीज कार्यक्रम यानी कि NSP को शुरू किया गया, ट्राइबल डेवलपमेंट एजेंसी TDA। ठीक है, उसको ऊपर कर देता हूं। खादी और विलेज इंडस्ट्रीज प्रोग्राम को शुरू किया गया, ठीक है, खादी और विलेज इंडस्ट्रीज प्रोग्राम को शुरू किया गया। इंटेंसिव पल्स, अच्छा नेशनल सीड्स जो प्रोग्राम है उसको शुरू किया गया था 1983 में, 1983 में। ट्राइबल डेवलपमेंट एजेंसी को किया गया था 1983 में। ठीक है, डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम भी 1983 का है, पूछ लेता है कि कब किस कार्यक्रम को शुरू किया गया। इसके अलावा इंटीग्रेटेड पल्सेस डेवलपमेंट प्रोग्राम, समेकित दाल विकास कार्यक्रम, पल्सेस डेवलपमेंट प्रोग्राम IPDP, ये शुरू किया गया 1983 में ही। सूती वस्त्रों, सूत के उत्पादन या कपास के उत्पादन के लिए इंटीग्रेटेड कॉटन डेवलपमेंट प्रोग्राम ICDP, ये भी शुरू किया गया 1983 में। खादी एंड विलेज इंडस्ट्री प्रोग्राम भी 1983 का ही है, 1983 में सारी योजनाएं शुरू की गई। साथ ही साथ एक प्रोग्राम शुरू किया गया SPWC, SPWC का मतलब हो गया स्पेशल प्रोग्राम फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रेन, ये भी 1983 में शुरू किया गया छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान। ये कुछ मुख्य हैं, इसके अलावा भी कई सारी हैं, जैसे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फॉर ऑफ एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ प्रोग्राम, रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, है ना,
विलेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट प्रोग्राम VSIDP, ये भी इसी समय शुरू किया गया 1983 में ही। तो ये बहुत सारे प्लान शुरू किए गए, और इन प्लान्स का शुरुआत करने के बाद गरीबी को हटाने, एम्प्लॉयमेंट को डेवलप करने, सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की जो कदम है वो उठाए गए। और भी कुछ इम्पोर्टेंट घटनाएं हुई, जैसे जैसे 15 अप्रैल 1980 को 6 और बैंकों का नेशनलाइजेशन कर दिया गया, 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। और मैंने क्यों बोला, क्योंकि हम लोग को पता है कि चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, यानी कि वो पहला बैंकों का राष्ट्रीयकरण था जो कब हुआ था, 14 जुलाई 1969 को। कितनी बैंक्स का, 14 बैंक्स का। और जो दूसरा हुआ वो कब हुआ, 15 अप्रैल 1980 को 6 और बैंकों का। तो कुल कितनी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, 14 प्लस 6 20 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, यानी कि राष्ट्रीयकृत बैंकें कितनी हो गई, 20। लेकिन अब 20 नहीं है, क्योंकि बहुत सारी बैंकों का आपस में मर्जर हो गया है, तो उनकी संख्या हो गई है कम। ठीक है, तो उस समय जो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, वो हम लोगों ने देखी थी कि उन 14 बैंकों में कौन कौन बैंकें शामिल थीं। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर इन 6 बैंकों में से कौन कौन बैंकें हैं जिनका राष्ट्रीयकरण अब किया गया। तो इसमें है हमारे पास पंजाब बैंक, सिंध बैंक, ये क्लास एक बार रिकॉर्ड कर चुका हूँ, लेकिन वो रिकॉर्डिंग हुई नहीं, तो पूरे 1.5 घंटे का समय चला गया, वेस्ट हो गया। खैर, तो पंजाब एंड सिंध बैंक का यहां पर नेशनलाइजेशन हुआ। इसके अलावा विजया बैंक, विजया बैंक के अलावा ओरिएंटल बैंक ऑफ इंडिया और कॉरपोरेट बैंक, आंध्रा बैंक, और आंध्रा बैंक के बाद न्यू बैंक ऑफ इंडिया। एक दो तीन चार पांच और छह, इन 6 बैंकों का यहां पर नेशनलाइजेशन कर दिया गया। तो अब यहां पर कई सारी बैंकों के नाम ऐसे होंगे जो आपको अभी नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि वो दूसरी बैंक में मर्ज हो गए हैं। ठीक है, इसके अलावा 12 जुलाई 1982 को, 12 जुलाई 1982 को शिवरमन समिति, शिवरमन कमेटी की रिकमेंडेशंस पर, अनुशंसा पर नाबार्ड का गठन किया गया, एग्रीकल्चर सेक्टर की एपेक्स बैंक नाबार्ड का गठन किया गया। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल बैंक फॉर रूर फॉर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड की स्थापना की गई। इसके पहले इसी क्षेत्र में, यानी कि कृषि और ग्रामीण विकास से संबंधित एक और बैंक थी, रीजनल रूरल बैंक, उनका भी स्थापना की गई थी 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 2 अक्टूबर 1975 में। आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सी चीज का, कौन सी योजना का, कौन सी संस्था का गठन कब हुआ, का नाम का अगर कोई शॉर्ट फॉर्म है तो उसका फुल फॉर्म क्या है, और किस साल हुआ, उसके साथ साथ किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ, ये भी आपको ध्यान रखना है। नाबार्ड का जो हेडक्वार्टर है या जो हेड ऑफिस है वो है मुंबई में। ठीक है, 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड का गठन हो गया। ये एग्रीकल्चर सेक्टर की एपेक्स बैंक है, शीर्ष बैंक है। इसके बाद 1982 में ही एक और बैंक का गठन हुआ, जिसका नाम है हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एग्जिम बैंक। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट सेक्टर से रिलेटेड बैंक हमारे पास ये है।
इस बैंक का गठन 1982 में हुआ और इसको एक अधिनियम, हर बैंक का एक अधिनियम है, उस अधिनियम के तहत इसका गठन किया गया। वो अधिनियम है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1981 के अंतर्गत 1982 में इस बैंक का गठन किया गया। अच्छा, यहाँ पर ये जो छठी पंचवर्षीय योजना की मुख्य मुख्य बातें ये हैं। छठी पंचवर्षीय योजना में जो टारगेट ग्रोथ रेट रखा गया था, जो वृद्धि दर का टारगेट रखा गया था, लक्ष्य रखा गया था, वो रखा गया था 5.2%, और जो अचीव हुआ, जो प्राप्त हुआ, वो हुआ 5.7%। यानी कि उम्मीद थी, हमने लक्ष्य रखा था 5.2% का और प्राप्त किया 5.7% का। यानी कि ये किस प्रकार की योजना हुई, सफल या असफल? तो ये हो गई एक सफल योजना। तो पहली योजना सफल थी, उसके बाद दूसरी, तीसरी, चौथी असफल थी, पांचवी जो थी वो भी वो भी सफल थी, और जो छठवीं है पंचवर्षीय योजना, ये भी एक सफल पंचवर्षीय योजना हमारी है। इस पंचवर्षीय योजना के बाद जो अगली पंचवर्षीय योजना है वो आती है सातवीं पंचवर्षीय योजना, सेवेंथ फाइव ईयर प्लान। जो पिछली पंचवर्षीय योजना थी, छठी पंचवर्षीय योजना, इस पंचवर्षीय योजना के पूरा होने से पहले ही 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी। और इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जो अगले प्रधानमंत्री बनते हैं वो बनते हैं राजीव गांधी। तो अब ये सातवीं पंचवर्षीय योजना, जिसका जो समय है वो 1985 से 1990 तक है, इसमें जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं अपने राजीव गांधी। इसका जो मॉडल है वो है वस्तु मजदूरी मॉडल। इंग्लिश में बोले तो कमोडिटी वेज मॉडल। इस पंचवर्षीय योजना का जो ऑब्जेक्टिव था, जो उद्देश्य था, वो था सभी क्षेत्रों का विकास करना। सभी क्षेत्रों का विकास, और इसको अगर हम आगे बाइफरकेट करें तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये बेसिकली कृषि पर, विकास पर बल देते हुए कृषि विकास प्रेरित समृद्धि रणनीति पर आधारित था। और दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि समृद्धि यानी कि ग्रोथ, आधुनिकीकरण यानी कि मॉडर्नाइजेशन, और आत्मनिर्भरता यानी कि सेल्फ रिलायंस के साथ साथ सामाजिक न्याय यानी कि सोशल जस्टिस को बढ़ावा दिया जाए, इन पर बल दिया जाए। तो सभी क्षेत्रों का विकास हो, साथ ही साथ ये विकास किस प्रकार का हो, कृषि विकास प्रेरित समृद्धि रणनीति पर आधारित हो, और इसके साथ साथ यहाँ पर समृद्धि यानी कि ग्रोथ, आधुनिकीकरण यानी कि मॉडर्नाइजेशन, आत्मनिर्भरता यानी कि सेल्फ रिलायंस, और सामाजिक न्याय यानी कि सोशल जस्टिस को बढ़ावा दिया जाए, उस पर बल दिया जाए, ये भी इसका ऑब्जेक्टिव था। अब इस योजना के दौरान क्या हुआ, 1986 में स्पीड पोस्ट की शुरुआत हुई। स्पीड पोस्ट की शुरुआत किसके द्वारा की गई, इंडियन पोस्टल सर्विसेज, भारतीय डाक सेवा यानी कि IPS, इंडियन पोस्टल सर्विसेज के द्वारा EMS स्पीड पोस्ट के नाम से स्पीड पोस्ट सर्विसेज की शुरुआत की गई। साथ ही साथ 1986 में ही, खासतौर से सितंबर 1986 में ही का पार्ट का गठन किया गया। कहां पर किया गया, नई दिल्ली में किया गया। का पार्ट का जो फुल फॉर्म है उसको अगर देख लें तो उसके काम के बारे में जानकारी मिल जाएगी। का पार्ट का फुल फॉर्म है काउंसिल
फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपुल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी. काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी, ये का पार्ट है, इसका फुल फॉर्म. और इसका गठन सितंबर 1986 में दिल्ली में किया गया. सितंबर 1986 के बाद इसी योजना के दौरान 1988 में एक और रेगुलेटरी बॉडी का, एक नियामक संस्था का गठन किया गया, जिसका नाम है सेबी. सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. ये एक रेगुलेटरी बॉडी है, नियामक संस्था है, जो किसको रेगुलेट करती है, स्टॉक एक्सचेंजेस वगैरह को ये रेगुलेट करती है. 1988 में इसका गठन हुआ और 1992 में सेबी एक्ट, यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा सेबी को स्वायत्त कर दिया गया. स्वायत्त बोले तो ऑटोनॉमस बॉडी बना दिया गया. ऑटोनॉमस बॉडी का मतलब जिसको अपने निर्णय स्वयं देने का अधिकार होता है, ऐसी एक बॉडी बना दिया गया. इसी योजना के दौरान जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत हुई, सातवीं पंचवर्षीय योजना में. अच्छा, यहां पर एक टर्म आता है हिंदू ग्रोथ रेट. हिंदू ग्रोथ रेट होता क्या है, इसको हम आगे पढ़ेंगे अगली या उसके अगली क्लास में. इसको हम लोग कंसेप्ट को देखेंगे कि हिंदू ग्रोथ रेट का मतलब क्या होता. बेसिकली अभी अगर देखें तो जो सातवीं पंचवर्षीय योजना है, यानी कि 7th 5-year plan को प्रोफेसर राधा कृष्णा ने हिंदू ग्रोथ रेट या हिंदू वृद्धि दर कहा है. क्या है बाद में देखेंगे. अच्छा, तो सातवीं पंचवर्षीय योजना को प्रोफेसर राधा कृष्णन ने हिंदू वृद्धि दर कहा है. एक और टर्म जो इस सातवीं पंचवर्षीय योजना से तो संबंधित नहीं, उसको भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, फिलहाल देख लेते हैं. वो है ट्रिकल डाउन थ्योरी. ये संबंधित है पहली दूसरी और तीसरे 5-year plan से. पहले दूसरे और तीसरे 5-year plan में इसी ट्रिकल डाउन थ्योरी को फॉलो किया गया. ये क्या होती है समझेंगे लाइव क्लास में, समझेंगे अगली जो लाइव क्लास होगी उसमें समझेंगे इसको. सातवीं पंचवर्षीय योजना का जो टारगेट था, जो लक्ष्य था ग्रोथ रेट का, वो था 5%, 5.0%. और जो वृद्धि दर मिली, अचीव्ड जो रेट था, वो हमको मिला 6.01%. यानी कि ये भी कैसी योजना निकली, एक सफल योजना निकली. तो पहली सफल थी, पांचवी सफल थी, छठी सफल थी, और अब सातवीं पंचवर्षीय योजना भी हमारी एक सफल योजना साबित होती है. ठीक, यहां पर क्या ध्यान देना है, हिंदू वृद्धि दर इसी से संबंधित है, सातवीं पंचवर्षीय योजना से. अब यहाँ पर सातवीं पंचवर्षीय योजना जब खत्म होती है 1990 में, 1990 में जब सातवीं पंचवर्षीय योजना खत्म होती है, तो उस समय तक दुनिया भर में बहुत सारे चेंजेस आ चुके थे इकोनॉमिक क्षेत्र में. और उन इकोनॉमिक क्षेत्र में आने वाले परिवर्तनों की वजह से दुनिया आगे निकल रही थी तेजी से, बहुत सारे जो देश हैं वो डेवलप हो रहे थे. लेकिन हम क्या थे, हम अपनी मिक्स्ड इकोनॉमी को लेकर चल रहे थे, कंजर्वेटिव इकोनॉमी को लेकर चल रहे थे, और हमारी इकोनॉमी का जो काज होता वो सोशलिज्म की तरफ था. और हम ये शुरुआत में ही हम देख चुके थे कि हमारे देश के जो नीति नियंता थे, उनका ये ऑब्जेक्टिव था कि हमको इम्पोर्ट कम से कम करने पड़े, और इम्पोर्ट कम से कम करके हम अपने देश की खुद की कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज को डेवलप कर सके. तो बहुत सारे इम्पोर्ट्स पर प्रतिबंध लगे हुए थे, ये इम्पोर्ट नहीं कर सकते, वो इम्पोर्ट नहीं कर सकते. क्वांटिटेटिव प्रतिबंध भी थे कि अगर कुछ चीजों को इम्पोर्ट करने की अनुमति भी है तो उसमें इतनी मात्रा से ज्यादा इम्पोर्ट नहीं कर सकते. तो एक तरीके से हमारे देश की जो इकोनॉमी थी वो एक क्लोज्ड इकोनॉमी जैसी थी. क्लोज्ड इकोनॉमी क्या है, वो इकोनॉमी जिसके दरवाजे बाहरी देश के लिए पूरी तरीके से आंशिक रूप से बंद रहते हैं. तो क्योंकि हमने इम्पोर्ट पर रोक लगाई हुई थी, क्वांटिटेटिव रोक भी लगी थी कि अगर कहीं से कुछ इम्पोर्ट करें तो मात्रा पर रोक थी,
पूरी तरीके से नहीं थी, लेकिन फिर भी इम्पोर्ट्स को डिस्करेज किया जाता था। तो यहाँ पर क्या किया गया, तो क्योंकि हम दूसरे देश का माल, इम्पोर्ट का मतलब क्या है कि हम दूसरे देश का माल खरीद रहे हैं और अपने देश से मंगा रहे हैं, तो जब हम दूसरे देश का माल नहीं खरीद रहे थे तो दूसरे देश भी हमारा माल खरीदेंगे क्या? नहीं खरीदेंगे, तो एक्सपोर्ट भी कम होता था, तो हम पिछड़ते चले जा रहे थे। और ये वो सिचुएशन थी 1990 के समय तक आते आते देश की जो आर्थिक स्थिति ग्लोबली अगर देखा जाए तो बाकी देशों के मुकाबले बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। हमारा फॉरेन रिजर्व बहुत बुरी सिचुएशन में था, बहुत कम फॉरेन रिजर्व हमारे पास बचा था। और ऐसी दशा में जब अगली सरकार आती है तो ये कहा जाता है कि इस इकोनॉमिक सिचुएशन में हमको थोड़ा सा रुक कर ठहरने की जरूरत है। तो 5 ईयर प्लान को थोड़ा सा हाल्ट दिया गया और कहा कि हम अब कुछ ऐसे काम करेंगे जिससे कि हमारे देश की इकोनॉमी दुनिया की देश की इकोनॉमी के साथ कदम से कदम चलाने के लिए तैयार हो सके। हम दुनिया में ग्लोबली जो इकोनॉमिक एक 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 पिछड़ेपन में आ गए हैं, उस पिछड़ेपन को दूर करने के लिए कुछ कदमों को उठाए जाने की जरूरत यहाँ पर महसूस हुई। और इसके लिए 2 साल के लिए, 2 साल के लिए 5 ईयर प्लान को रोका गया, यानी कि अब लिया गया तीसरा प्लान हॉलिडे, यानी कि तीसरा योजना अवकाश लिया गया। 2 सालों के लिए लिया गया, 1990 से 1992 तक, ये आखिरी योजना अवकाश है। तो योजना अवकाश कितने? 3 प्लान हॉलिडे। और कितने इयर्स हैं? तो पहले वाले में 3 साल थे, दूसरे वाले में 2 साल थे और तीसरे वाले में भी 2 साल है, तो कुल कितने इयर्स हो गए? 7 साल हो गए। तो 7 सालों का योजना अवकाश, और संख्या में कितने योजना अवकाश है? 3 योजना अवकाश है। खैर, तो 1990 और 92 में यह तीसरा योजना अवकाश लिया गया दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाने के लिए। थोड़ा संभलना पड़ेगा, पहले कुछ ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे जिससे कि हम जितना पिछड़ापन झेल चुके हैं इकोनॉमिकली, ग्लोबली पॉइंट, ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू से उसको दूर किया जाए। तो यहाँ पर कुछ कदम उठाए गए, जिनमें से पहला कदम तो ये था कि हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेके आए, हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेके आए, हमने अपनी इकोनॉमी को उदार बनाया, उदारीकरण दिया, यानी कि हमने अपनी इकोनॉमी में जो दरवाजे बंद थे उनको खोला, हमने अपनी इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा क्षेत्रों में आने के लिए कहा। बहुत सारे क्षेत्र ऐसे थे जहां पर पब्लिक सेक्टर ही काम कर सकता था, सरकारी काम कर सकती थी, निजी क्षेत्रों के लिए वो आना मना था, जैसे हमारे पास टेलीकॉम था, है ना? ठीक है, तो उनको घटाया गया, ठीक। और इनको क्या बोला गया कि हमने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया, जिसको हम बोलते हैं लिबरलाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, शॉर्ट में एलपीजी। ये है क्या, इनकी जरूरत क्यों पड़ी, इनको लाया कैसे गया, इनका क्या प्रभाव पड़ा अर्थव्यवस्था पर, इनका क्या प्रभाव पड़ा वैश्विक रूप में भारत की पोजीशन पर, इनका क्या प्रभाव पड़ा समाज पर, इन सबको एक अलग तरीके से अलग क्लास में हम लोग डिटेल में देखेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है प्री के लिए भी, मेंस के लिए भी और एसए के लिए भी, ठीक है? तो इनको ध्यान से अलग से डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो लेकिन ध्यान यहां पर रखना है कि 1991 में ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए गए, और इस समय क्योंकि राजीव गांधी की डेथ हो चुकी थी 1991 में, तो उसके बाद बम विस्फोट में इनको मार दिया गया था जब वो चुनाव प्रचार करने साउथ इंडिया गए हुए थे। और उसके बाद फिर भारत में जब चुनाव होते हैं तो एक बार फिर से प्रचंड बहुमत की सरकार बनती है कांग्रेस की, और जो प्राइम मिनिस्टर थे इस समय वो थे पीवी नरसिम्हा राव, फाइनेंस मिनिस्टर थे हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह।
और इन दोनों के द्वारा ये सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेके आए गए। तो पहला काम तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हो गया, दूसरा काम ये हुआ कि हमारी जो मुद्रा थी उसकी वैल्यू लगातार घटती चली जा रही थी, तो उस मुद्रा को और अपने देश की जो विदेशी व्यापार है उसको थोड़ा सा बूस्ट देने के लिए हमारे देश में एक बार फिर से मुद्रा का अवमूल्यन किया गया। यानी कि करेंसी का डिवैल्यूएशन किया गया। ये डिवैल्यूएशन एक ही महीने में दो बार करना पड़ा, ठीक है। तो अगर ओवरऑल देखें तो पहला डिवोल्यूशन हमारे पास, डिवैल्यूएशन जो हुआ था वो 1949 में हुआ था, हम लोगों ने बताया बात की थी। दूसरा 1966 में हुआ, और तीसरा कब हुआ जाके 1991 में। ये तीन डिवैल्यूएशन हमारे पास हुए। तो इन सब उपायों का इस्तेमाल करके हम दुनिया के साथ कदम मिलाने को तैयार हुए। हमने अपने देश के दरवाजे दूसरों के लिए खेल खोले, दूसरों ने अपने देश के दरवाजे हमारे लिए खोले विदेशी व्यापार। तो अब यहां पर इनके अलावा एक चीज और हुई, एक बैंक जैसी संस्था का गठन किया गया, इसका नाम है सिडबी। सिडबी का गठन हुआ। सिडबी का फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, और इसका हेडक्वार्टर या हेड ऑफिस कहाँ पर है? इसका हेड ऑफिस है लखनऊ में। 17, 18 या 19 के प्री में इसका सवाल आया था कि सिडबी का हेड ऑफिस कहाँ पर है, तो सिडबी का हेड ऑफिस लखनऊ में है। एग्जिम बैंक का हेड ऑफिस बंबई में है, मुंबई में है। नाबार्ड का हेड ऑफिस भी आपका मुंबई में है, ये मैं पहले बता चुका हूँ। जब ये सब हो गया तो 2 साल का योजना अवकाश के बाद आता है 1992 का साल, और 1992 के साल में शुरू की जाती है हमारी 8वीं पंचवर्षीय योजना। 8th 5-year plan शुरू किया जाता है, जो 1992 से जाएगा 1997 तक। इसका जो मॉडल था वो था जॉन डब्ल्यू मुलर मॉडल। ये भी अर्थशास्त्री थे, इनके द्वारा बताए गए तरीके को अपनाया गया। उद्देश्य था मानव संसाधन का विकास, उद्देश्य था मानव संसाधन का विकास। यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। और इसी योजना को, जो 8वीं पंचवर्षीय योजना है, 8th 5-year plan है, इस योजना को मानव विकास के 7 कार्यों का सार माना जाता है। एग्जाम में सवाल आता है, सीधे सीधे पूछ लेता है यूपी में खासतौर से, कि कौन सी योजना को मानव विकास के 7 कार्यों का सार माना जाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट के 7 कार्यों का सार माना जाता है? तो उसका जवाब है 8वीं पंचवर्षीय योजना। इसी योजना के दौरान, 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार योजना शुरू की जाती है शिक्षित बेरोजगारों के लिए। और इसी समय वैश्विक स्तर पर 1 जनवरी 1995 को WTO का गठन किया जाता है। WTO का मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। विश्व व्यापार संगठन, ठीक। 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन का गठन किया जाता है। भारत जो है इसका
संस्थापक सदस्य था, यानी कि जब ये बना था तब से ही भारत इसका सदस्य बना हुआ है। WTO का जो गठन हुआ है वो मराकेश समझौते के आधार पर हुआ है। मराकेश समझौते के आधार पर हुआ है और इस समझौते के आधार पर इसको बनाया गया। और 1994 15 अप्रैल 1994 को 123 देशों ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, यानी कि शुरुआती सदस्य कितने थे, 123, जिनमें भारत एक था। और अब वर्तमान में जो सदस्य संख्या है WTO की वो है 164। इसका जो हेड ऑफिस है वो है जेनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड को ये रेगुलेट करता है, कोशिश करता है कंट्रोल करने की। और इसके पहले जो एक बॉडी थी जिसका नाम था गैट, गैट का मतलब होता है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स। इसके आधार पर, ये जनरल एग्रीमेंट और ट्रेड एंड टैरिफ के आधार पर विश्व व्यापार रेगुलेट किया जाता था। और 1 जनवरी 1995 में बने WTO ने इसको रिप्लेस किया, ठीक है, इसको रिप्लेस किया। 8वीं पंचवर्षीय योजना में ये मुख्य घटनाएं हुई थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना में जो सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी गई वो दी गई एनर्जी यानी कि ऊर्जा क्षेत्र में, और कुल जो योजना व्यय था, एक्सपेंडिचर था, उसका 26.6% एनर्जी पर खर्च किया गया। कुल व्यय का 26.6% एनर्जी पर खर्च किया गया था। तो 8वीं जो पंचवर्षीय योजना थी इसका जो टारगेट था वो था 5.6%, और जो अचीव ग्रोथ रेट था जीडीपी का वो था 6.8%। यानी कि ये भी एक सफल योजना थी। तो अभी तक की सफल योजनाओं को देखें तो पहली, पांचवी, छठी, सातवीं और आठवीं योजनाएं अभी तक हमारी सफल योजनाएं हैं। और असफल योजनाओं को अगर देखें तो दूसरी, तीसरी और चौथी, ये हमारी अभी तक की असफल योजनाएं। और इनमें में भी जो सबसे ज्यादा सफल योजना है अभी वो पहली है, क्योंकि उसमें 1.5 गुना से ज्यादा वृद्धि हुई थी, टारगेट के 1.5 गुना से ज्यादा वृद्धि हुई थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना के बाद हमारे पास आ जाती है 9वीं पंचवर्षीय योजना, 9th 5-year प्लान। नाइन फाइव ईयर प्लान का जो टाइम पीरियड था वो 1997 से 2002 तक था। मॉडल इसका वही, फिर से इनपुट आउटपुट मॉडल, यानी कि आगत निर्गत मॉडल था। इसका जो उद्देश्य था सोशल जस्टिस को यहां पर बल दिया गया था, उद्देश्य था सामाजिक न्याय के साथ, सॉरी, सामाजिक न्याय तथा समता के साथ आर्थिक विकास, यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी या इक्विटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद सोशल जस्टिस एंड इक्विटी इसका ऑब्जेक्टिव था। और यहां पर इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए कई सारे सेक्टर्स पर ध्यान दिया गया, कई सारे क्षेत्रों पर ध्यान दिया गया, कई सारी प्रायोरिटीज सेट करी गई, जिनमें से
चार मेन प्रायोरिटीज हैं, जिनमें से पहली है लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना, यानी कि लोगों के लाइफ या लिविंग स्टैंडर्ड को ऊंचा करना, रोजगार सृजन करना यानी कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, आत्मनिर्भरता लाना, सेल्फ रिलायंस या सेल्फ डिपेंडेंस लाना, क्षेत्रीय संतुलन स्थापित करना। यानी कि रीजनल बैलेंस को लाना। क्षेत्रीय संतुलन का मतलब क्या होता है? हमारे देश में जो डेवलपमेंट है वो असंतुलित था। असंतुलित का मतलब है कि कोई एक एरिया है वहां पर डेवलपमेंट ज्यादा हो रहा है और दूसरे एरिया में डेवलपमेंट कम हो रहा है। अगर हम आज भी देखें तो बहुत सारे हमारे पास ज्योग्राफिकल लोकेशंस, बहुत सारी स्टेट्स ऐसी हैं जो बाकी जगहों के मुकाबले कम डेवलप्ड है। अगर हम सेंट्रल इंडिया में देख लें और साउथ इंडिया को देख लें, उनके मुकाबले अगर बात करें, या वेस्टर्न इंडिया को देख लें तो उनके मुकाबले अगर बात करें, तो जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है बहुत कम डेवलप्ड है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, यानी कि जो पहाड़ी एरियाज हमारे पास हैं, जिसमें उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश का पहाड़ी वाला इलाका, जम्मू कश्मीर, लद्दाख वगैरह जितने भी हिली एरियाज हैं, नॉर्थ ईस्ट एरियाज हैं, ये सारे हमारे पास कंपेरेटिवली कम डेवलप्ड हैं। महाराष्ट्र का जो विदर्भ रीजन है वो बहुत कम डेवलप्ड है, और ये रीजनल इम्बैलेंस है। ठीक है, अगर हम अपने उत्तर प्रदेश की ही बात करें तो जो हमारा वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, अगर उसको हम कंपेयर करें अपने पूर्वी उत्तर प्रदेश से, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश से, तो ईस्टर्न उत्तर प्रदेश कहीं नहीं ठहरता है वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के विकास के मुकाबले में, है ना। गाजियाबाद को कंपेयर कर लीजिए गोरखपुर से। तो ये सब चीजें क्या है? ये रीजनल इम्बैलेंसेज हैं। तो इन इम्बैलेंसेस को दूर करने का जो है वो टारगेट भी रखा गया पांचवी, सॉरी नवी पंचवर्षीय योजना में। इसी नवी पंचवर्षीय योजना में एक नया काम हुआ महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए वुमेन कंपोनेंट प्लान लाया गया। वुमेन कंपोनेंट प्लान लाया गया, हिंदी में इसको बोलेंगे महिला अंश योजना लाई गई। इसमें क्या किया गया? इसमें कहा गया कि जो टोटल व्यय है, टोटल अमाउंट है प्लान का टोटल जो अमाउंट है जो प्लान में लगाया है खर्च करने के लिए, इसका 30% जो अमाउंट है वो महिलाओं से संबंधित क्षेत्रों के लिए अलॉट किया गया। ठीक है, तो इस प्लान का जो टोटल अमाउंट था, टोटल जो एक्सपेंडिचर जो था, उसका 30% महिलाओं के संबंधित क्षेत्रों के लिए अलॉट किया गया, जिससे कि महिलाओं को आगे बढ़ाया जा सके, महिलाओं को बेटर किया जा सके, उनको एम्पावर किया जा सके। ठीक है, इसी 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 के दौरान, इसी प्लान के दौरान ही 1998 में दूसरा परमाणु परीक्षण किया गया। पहला परमाणु परीक्षण 1974 में हुआ था, जिसका कोड नेम क्या था? स्माइलिंग बुद्धा, यानी कि बुद्ध मुस्कुराए, और हैप्पी कृष्णा भी उसका नाम था, है ना। है, तो दूसरा परमाणु परीक्षण किया गया। दूसरे परमाणु परीक्षण को नाम दिया गया था ऑपरेशन शक्ति। एपीजे अब्दुल कलाम थे, प्रधानमंत्री डॉक्टर हमारे जो थे अटल बिहारी वाजपेयी थे। और इसमें जब ये परमाणु परीक्षण हुआ था तो जो न्यूज़पेपर्स थे उनकी हेडलाइन थी बुद्ध फिर मुस्कुराए, क्योंकि पहली बार कब मुस्कुराया था? स्माइलिंग बुद्धा 1974 में। और अब दोबारा से परमाणु परीक्षण किया तो बुद्ध फिर मुस्कुराए, बुद्ध स्माइल्ड अगेन, ऑपरेशन ऑपरेशन शक्ति। पांच परमाणु बम यहां पर फोड़े गए थे।
ठीक है। इसके बाद 1999 में, और इसी बीच भारत और पाकिस्तान के बीच बहुत सारे उतार चढ़ाव हुआ है। हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान गए थे बस लेके, और जब वो वहां पर बस लेके गए तो पाकिस्तान सामने से तो मुस्कुरा रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर परवेज मुशर्रफ, नवाज शरीफ वगैरह भारत पर आक्रमण करने की प्लानिंग बना रहे थे, जिसकी परिणति ये हुई कि 1999 में भारत को एक और युद्ध करना पड़ा पाकिस्तान के साथ, जिसको कहा जाता है कारगिल वॉर, कारगिल युद्ध हुआ 1999 में। इस प्लान का जो टारगेट ग्रोथ रेट था जीडीपी का, वो ये कहा था कि जीडीपी में जो बढ़ोतरी होगी वो 6.5% होगी, जो अचीव किया गया वो किया गया 5.4%। यानी कि यह योजना कैसी हो गई असफल, कई सारे कारण। कारण नंबर एक, कारगिल का युद्ध। कारण नंबर दो, हमने परमाणु परीक्षण किया, दुनिया भर ने हमारे ऊपर सैंक्शंस लगा दिए, प्रतिबंध लगा दिए विभिन्न प्रकार के। उन प्रतिबंधों का असर हमारे व्यवसाय पर पड़ा, हमारे व्यापार पर पड़ा, हमारे देश की ग्रोथ पर पड़ा, जिससे ये योजना कैसी हो गई, असफल हो गई, और हम 5.4% की ग्रोथ पर सिमट कर रह गए। तो पांचवीं, छठी, सातवीं और आठवीं की जो ट्रेल बनी हमारे पास सफल योजनाओं की, वो नवी पंचवर्षीय योजना से टूट गई। इनका कारण हम जान चुके हैं, परमाणु परीक्षण के बाद लगे हुए प्रतिबंध, कारगिल युद्ध वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी नवी पंचवर्षीय योजना में। अब अगली हमारे पास जो पंचवर्षीय योजना है वो है 10th 5-year plan। दसवीं पंचवर्षीय योजना, जो दसवीं पंचवर्षीय योजना है, इसका जो समय था वो था 2002 से 2007 तक, यहीं पर बीच में दो चुनाव होते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार को पूरी उम्मीद थी कि हम वापस जीतेंगे, और फील गुड फैक्टर का, फील गुड कैंपेन चल रहा था वहां पर, लेकिन परिणाम उलट जाता है और देश की सरकार बदल जाती है, और इसी पंचवर्षीय योजना के बीच में आती है कांग्रेस की सरकार। और इस कांग्रेस की सरकार में जो प्रधानमंत्री बनते हैं वो बनते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, और 10 साल तक कांग्रेस यहाँ पर 2014 तक राज करती है। यहाँ पर कुछ खैर ज्यादा चीजें हम लोग को अब नहीं पढ़नी है, 10वीं 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजनाओं में। इसका जो मॉडल था वो था, उसको नाम देते हैं प्लानिंग कमीशन मॉडल। किसी बाहरी अर्थशास्त्री के मॉडल को यहाँ पर नहीं अपनाया गया, प्लानिंग कमीशन ने खुद अपना मॉडल अपनाया। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण दो घटनाएं होती हैं। पहला, 2005 में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट पास किया जाता है, और सूचना का अधिकार एक अधिकार बन जाता है। 2005 में ही नरेगा को लॉन्च किया जाता है। नरेगा का मतलब, एक एक्ट आया था, इसका नाम था नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट आया था, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को 100 दिन के गारंटीड रोजगार की बात की गई थी, कि हम 100 दिन का आपको गारंटीड रोजगार देंगे, नहीं दे पाएंगे तो उसके लिए भी कुछ प्रावधान थे, भत्ता दिया जाएगा। बाद में इसी नरेगा का नाम बदलकर हो जाता है एमजी नरेगा। एमजी बोले तो महात्मा गांधी, महात्मा गांधी नेशनल रूरल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के नाम पर इसकी योजना का नाम रखा गया, और शॉर्ट में, हिंदी में हम इसको बोलते हैं मनरेगा, मनरेगा। 10वीं पंचवर्षीय योजना का जो टारगेट था वो था 8.1%। जो अचीव हुआ वो हुआ 7.7%। ये एक असफल योजना थी, ये एक असफल योजना थी, लेकिन असफल होने के बाद भी सर्वाधिक विकास इसी योजना में हुआ। असफल थी लेकिन सर्वाधिक विकास अगर किसी योजना में हुआ वो पूछा जाए तो वो है हमारी 10वीं पंचवर्षीय योजना। 10वीं पंचवर्षीय योजना के बाद अगली पंचवर्षीय योजना है हमारी 11वीं पंचवर्षीय योजना, 11th 5-year plan।
ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012, मॉडल इसका भी प्लानिंग कमीशन के मॉडल पर, उसके द्वारा बनाए गए मॉडल पर इसको लागू किया गया। इसी को बोला जाता है सी रंगराजन मॉडल। इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो ऑब्जेक्टिव था तीव्रतम यानी कि रैपिड और अधिक समावेशी विकास। समावेशी विकास का मतलब इनक्लूसिव डेवलपमेंट। अभी तक किसी भी पंचवर्षीय योजना में इंक्लूसिव डेवलपमेंट का ऑब्जेक्टिव नहीं मिला। 11वीं पंचवर्षीय योजना पहली पंचवर्षीय योजना जिसमें इंक्लूसिव डेवलपमेंट को एज एन ऑब्जेक्ट शामिल किया गया, और ये इंक्लूसिव डेवलपमेंट की जो अवधारणा है, ये अवधारणा दी गई है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। तो ये पहली योजना है जिसमें इंक्लूसिव डेवलपमेंट समावेशी विकास की बात की गई। समावेशी विकास का मतलब सभी वर्गों का एक साथ लेकर उनका विकास करना, किसी भी वर्ग को छोड़ना देना। इसका जो टारगेट था ग्रोथ का वो 9% रखा गया था, और जो अचीव हुआ वो 7.8% था। ये किसी भी पंचवर्षीय योजना के द्वारा अचीव किया गया सबसे बड़ा टारगेट है, यानी कि सबसे ज्यादा जो वृद्धि दर है वो सबसे ज्यादा वृद्धि दर कौन सी योजना की है? 11वीं पंचवर्षीय योजना की। तो यहां पर अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा सफल जो योजना है वो पहली पंचवर्षीय योजना है, क्योंकि 1.5 गुने से ज्यादा का वहां पर अचीव किया गया था टारगेट। सबसे ज्यादा विकास असफल होने के बावजूद सबसे ज्यादा विकास कौन सी योजना में हुआ? 10वीं में हुआ। और सबसे ज्यादा वृद्धि दर वाली जो योजना है वो 11th 5-year प्लान है, 7.8% के वृद्धि दर के साथ। अब 11th 5-year प्लान के बाद हमारे पास अगला जो 5-year प्लान है वो है 12th 5-year प्लान, 12वीं पंचवर्षीय योजना। 12th 5-year प्लान 2012 में शुरू किया गया, 2017 तक इसका टाइम पीरियड था, ये 5 साल इसके 2017 में पूरे होंगे। कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, और इसमें जो उद्देश्य रखा गया, जो ऑब्जेक्टिव था इस योजना का, वो था तीव्रतम यानी कि रैपिड, धारणी यानी कि सस्टेनेबल, और अधिक समावेशी विकास। अगर इसमें देखें तो धारणी शब्द को अगर हम लोग हटा दें तो ये वही ऑब्जेक्टिव है जो 11वीं पंचवर्षीय योजना का था, तीव्रतम और अधिक समावेशी विकास, लेकिन यहां पर एक नया टर्म और इंक्लूड कर दिया गया, धारणी यानी कि सस्टेनेबल। तो ये ध्यान रखना है कि समावेशी विकास की अवधारणा कौन सी पंचवर्षीय योजना में शामिल की गई? 11वीं में, कंटिन्यू किया गया 12वीं में, लेकिन धारणीय विकास की जो ऑब्जेक्टिव है वो शामिल किया गया 12वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, धारणीय यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो प्लान है, जो 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 डेवलपमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है वो 12वीं पंचवर्षीय योजना में लिया गया। इस पे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। लेकिन ये 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक थी, और इन योजनाओं को रेगुलेट और इनको मॉनिटर करने वाली बॉडी थी प्लानिंग कमीशन। इस योजना के काल के पूरा होने के पहले ही 2014 में सरकार बदल जाती है, और सरकार आ जाती है अब नरेंद्र मोदी की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन जाते हैं। और नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ही पहले साल ही में ही 2014 में प्लानिंग कमीशन को कर दिया जाता है समाप्त, डिजॉल्व कर दिया जाता है। तो इस 12वीं पंचवर्षीय योजना का आउटकम क्या रहा है, इसके बारे में सीधे तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसको असेस करने वाली, इसको एनालाइज करने वाली, इसको रेगुलेट और मॉनिटर करने वाली बॉडी ही खत्म हो गई। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो आउटकम है वो क्लियर नहीं है। तो इसका क्या लक्ष्य मिला, क्या हुआ, उसके बारे में कोई बात नहीं कर सकते हैं। इतना ही ध्यान रखना है कि ये समय के पहले प्लानिंग कमीशन डिजॉल्व हो गया, उद्देश्य तीव्रतम धारणीय और अधिक समावेशी विकास था। तो ये हमारे 5-year प्लान समाप्त हो जाते हैं। अगर हम इसको एक बार देखें तो सबसे सफल जो 5-year प्लान था सबसे सफल जो 5-year प्लान था वो था पहला। सबसे अधिक विकास जिस 5-year प्लान में हुआ वो था
दसवां और सर्वाधिक वृद्धि दर जिस फाइव ईयर प्लान में थी वो था 11वां, और अगर सर्वाधिक असफल देखा जाए तो वो था तीसरा। इसमें जो कृषि की विकास दर है वही निगेटिव में चली गई थी, -0.31% निगेटिव। ठीक है, इसके साथ ही साथ अगर हम देखें सफल योजना को, तो एक बार तो देख चुके हैं, फिर से देख लें सफल योजना कौन सी है। पहली, पांचवी, छठी, सातवीं और आठवीं। असफल योजनाएं कौन सी हैं? दूसरी, तीसरी, चौथी, नवीं, दसवीं और ग्यारहवीं। ये असफल योजनाएं हैं। एक चीज और ध्यान रखिए, 1991 में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे, उन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के आने के बाद इकोनॉमिक ग्रोथ तो हुई, इकोनॉमिक ग्रोथ हुई। क्यों? क्योंकि उसके पहले हमारे पास जो 6% या उससे कम के आसपास ग्रोथ रेट होता, तो उसके बाद अगर ग्रोथ रेट देखें तो ग्रोथ रेट अगर नवी को छोड़ दिया जाए तो सब में 6-7% के आसपास रह रहा है। ठीक है, तो ग्रोथ तो ही, लेकिन ग्रोथ होने के साथ साथ एक चीज और हुई कि एम्प्लॉयमेंट हमारा क्या हुआ? घटा। ग्रोथ बढ़ी, एम्प्लॉयमेंट घटा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा। एम्प्लॉयमेंट घटा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो इस ये पोजीशन जो बनी रही वो सन 2000 तक बनी रही, पूरे एक डिकेड। तो ये 1991 से लेके 2000 तक का जो डिकेड है, जो दशक है, इस दशक को बोला जाता है रोजगार विहीन वृद्धि का दशक। रोजगार विहीन वृद्धि का दशक यानी कि डेवलपमेंट विदाउट एम्प्लॉयमेंट, डेवलपमेंट विदाउट एम्प्लॉयमेंट का डिकेड इसको बोला जाता है। तो ये हमारे पास हो गई पंचवर्षीय योजनाएं, फाइव ईयर प्लान्स। इसी के साथ इसको खत्म करते हैं और फिर नए टॉपिक के साथ मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, गुड नाइट।